मिड कैप इंडेक्स में ट्रिपल सेंचुरी, 300 पॉइंट ऊपर। गुड आफ्टरनून गाबा सर, इस समय की ट्रेड? गुड आफ्टरनून, इस समय की ट्रेड है पिडलाइट। ना पिडलाइट में एक ऐसी जगह पे जोन पे ट्रेड करा है, यहाँ से एक बाय बनता है। ट्रेड करा है 2665 पर, स्टॉप होगा ₹15 का, 2650। टारगेट होने चाहिए दो, पहला टारगेट होगा 2680, फिर 2700, ये जोन है वहां तक जाना चाहिए। पिडलाइट यस, इसमें बाय है। ओके, तो ये पिडलाइट पर एक व्यू काबा साहब का आता हुआ तेजी वाला ट्रेड। मानस आफ्टरनून, आपका ट्रेड? गुड आफ्टरनून अर्शदा जी। तो देखिए, जीएनएफसी में खरीदारी करने की राय रहेगी। जीएनएफसी ने 20 डे मूविंग एवरेज रिगेन कर लिया था, आज एक प्राइस ब्रेकआउट 9740 के ऊपर देखने को मिला है। आई थिंक इस बार ये अपने पिछले हाईस को भी ब्रीच करेगा, तो करंट लेवल्स पे जीएनएफसी में खरीदारी करनी चाहिए। 739 का स्टॉप लॉस लगाइए और 775 के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं, दोनों कैश लेवल्स मैंने बताए हैं। ऑप्शन में अगर ट्रेड लेना हो तो जीएनएफसी का 750 वाला कॉल ऑप्शन जो 43 रुपीज पे फिलहाल के लिए ट्रेड हो रहा है, वहां पर खरीदारी करिए। 35 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और 60 रुपए के टारगेट सेट करिए। ओके, आपका बाय ट्रेड है जीएनएफसी, अब इसका जिक्र मैं कर ही रहा था। शेयरिंग अगर आप देखें वही भी हुई है यहाँ पे, दैट मींस शॉर्ट कवरिंग, स्टॉक है डे हाई। शिल्पा गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या रहेगा? गुड आफ्टरनून एवरीवन एंड हैप्पी मेरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो मुझे गोदरेज सीपी पे बहुत अच्छा मुझे यहाँ पे लग रहा है। ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है अराउंड 1090 जोन्स। एक बार ये 1100 के ऊपर सस्टेन करेगा और क्रॉस करेगा तो बहुत ही क्विक मूवमेंट टूवर्ड्स 1160 से 1180 1200 जोन्स के लिए भी आएगा। तो मुझे लगता है बहुत वेल प्लेस्ड है। आप दिसंबर के फ्यूचर्स में भी इसमें ट्राई ले सकते हैं 1070 के स्टॉप लॉस से, या फिर आप 1100 का कॉल ऑप्शन भी जैन सीरीज़ का ले सकते हैं, जहाँ पे रफली 42-43 रुपीज़ में मैंने दे दिया था ऑलरेडी रिकमेंड, लेकिन ऑलरेडी 48 हुआ है, बट आप इसमें अभी भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मुझे लगता है यहाँ पे 80 के भी टारगेट्स आते हुए आपको मिल सकते हैं। ओके, चलिए, ये गोदरेज कंज्यूमर, यहाँ पर आपके लिए एक ट्रेड शिल्पा जी की तरफ से। शिल्पा जी, आपको भी मेरी क्रिसमस। अमित सेठ को जोड़ लेते हैं। अमित जी, गुड आफ्टरनून, आपको भी सीजन्स ग्रीटिंग, बताइए आपकी ट्रेड। जी गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून वीरेन जी, हर्षिता मैम एंड एवरीबडी ऑन द पैनल, आप सबको मेरी क्रिसमस। अनुज जी, इस समय का मेरा टॉप पिक रहेगा बर्जर पेंट्स। बर्जर पेंट्स का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो पिछले 4 महीनों से जब भी ये 575-75 के जोन में आता है तो वहां से एक रिवर्सल हम देखते हैं। लास्ट 2 दिन के कैंडल्स काफी अच्छे हैं और आज के कैंडल की भी लोअर शेडो अच्छी है और 10 डेमा के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अपर रेंज ऑफ दिस जोन इज समवेयर अराउंड 605-610, तो वापस वो जोन रिवर्सल ट्रेड यहाँ पे लिया जा सकता है। 588 का इसका प्राइस है, स्टॉप लॉस लगभग रहेगा 580 के और टारगेट्स रहेंगे लगभग 605 रुपए के। 605 के लिए बर्जर पेंट्स में तेजी का ट्रेड। मयूरेश हमारे साथ जुड़ गए। मयूरेश गुड आफ्टरनून, बताइए आज दोपहर क्या ट्रेड लेकर आए हैं आप? Afternoon, Harshita ji. Afternoon, Anuj ji. Afternoon, Viru ji. And good afternoon to all the panelists. I'll continue with my call, jo do hafte pehle diya tha, Bikaji Foods. I think jo developments ho rahe hain, both in terms of GIFT City, jahan pe liquor allow kiya hai. Dusri, I think jo input cost mein achhi khasi giravat dekhne mil rahi hai. In fact, input costs are expected to be even lower in the next financial year. So flour prices, edible oil prices, में जो घटोतरी देखी है वहां पे इबिटा मार्जिन में एक जरूर बूस्ट मिलेगा एंड दिस इज बीइंग लेवरेज्ड विद कैपेसिटी एडिशंस। तो जितनी इनकी कैपेसिटीज की एडिशन हो रही है इसमें से एक जबरदस्त डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ आएगी। इबिटा मार्जिन शुड इजीली सस्टेन अबव 12-14% यानी 13-14% के रेंज के ऊपर ही रहनी चाहिए फॉर द बेटर पार्ट एंड इनफैक्ट इवन शो सिग्निफिकेंट साइंस ऑफ इंप्रूवमेंट। बहुत लेवरेज बैलेंस शीट पे है नहीं एंड जनरली आई थिंक जो कंजम्पशन की हम बात कर रहे हैं थर्ड क्वार्टर में ऑब्वियसली दिवाली का क्वार्टर है जिन नंबर्स में रिफ्लेक्ट होंगे बट जनरली आई थिंक अ लॉट ऑफ फैक्टर्स जैसे मैं कह रहा था विल एड वॉल्यूम और वैल्यू ग्रोथ दोनों एंड दैट शुड सिग्निफिकेंटली हैव अ ह्यूज कंट्रीब्यूशन बॉटम लाइन के ऊपर। तो हम काफी बुलिश है बिकाजी के ऊपर, हमें लगता है एक अच्छी खासी अपसाइड 20-25% की अपसाइड इवन फ्रॉम द करंट लेवल बिल्कुल मुमकिन। ओके,